अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एपिक्स टीवी और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा बुखारी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ग्रेट सिंगर और साथ ही म्यूजिशियन और जो कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और बहुत बेहद पसंद किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान और आज इनसे बात करेंगे कुछ इनके सॉन्ग्स के हवाले से और इसके अलावा मुस्तकबिल में इनके मज़ीद क्या प्लान्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। और कैसा लग रहा है अभी आपको, जिस तरह इतना पसंद किया जा रहा है, क्या यूट्यूब पे बल्कि हर तरफ आपके सॉन्ग्स की धूम मची है, कैसा आप पाते हैं यंगस्टर्स का ये इतना बेहद प्यार? बस अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे वो इतनी इज्जत मिल दे रहे हो। अच्छा, नशले से आपने जैसा कि आगाज़ किया और इतना ज़्यादा वो सॉन्ग मकबूल हुआ, उसके बाद मज़ीद आपने ज़्यादा जो भी सॉन्ग किया वो इसी तरह हिट रहा, और क्या इस तरह आपको उम्मीद थी और फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं इस हवाले से? मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए तो आया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो चेंज है, यू नो, डिफरेंट होना चाहिए। और फ्यूचर प्लान ये है कि मेरी सेकेंड एल्बम, आई एम वर्किंग ऑन द सेकेंड एल्बम, और बस देखो क्या होता है। तो सेकेंड एल्बम कब तक रिलीज़ हो जाएगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट समर। क्योंकि आपके तमाम जो सुनने वाले हैं बेहद इंतज़ार में हैं कि कब क्या मज़ीद हमें सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। और शादी के हवाले से अगर पूछा जाए, क्योंकि अक्सर आपकी फैंस जो लड़कियां हैं वो जानना चाहती हैं इमरान खान की शादी के बारे में। शादी अभी थोड़ी दूर है मगर इंशाल्लाह हो जाएगी। कितनी दूर है अभी, रास्ते में? देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, और जैसा कि आपने कहा कि एल्बम भी जल्द रिलीज़ हो जाएगी, और जब आप कोई सॉन्ग बनाते हैं, जैसा कि एम्पलीफायर हमने देखा, नचले भी बहुत मकबूल हुआ था, क्या आपके जहन में ऐसा होता है कि वो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वाकई जाके उनको ऐसे अपनी तरफ मतवजो करता है कि वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, यूट्यूब पर भी इतने ज़्यादा क्लिक्स किए जाते हैं, सोशल वेबसाइट्स पर, किस तरह से आप एक सॉन्ग लिखते हैं जो कि लोगों के दिलों को इस तरह टच करता है? मैं स्टूडियो में बैठता हूँ रिलैक्स होकर, माइंड के साथ खेलता रहता हूँ, लाइक क्या करूँ, क्या टॉपिक लिखता हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स, एंड देन फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में गाना लिखना चाहिए, क्योंकि रिलेट होना चाहिए ना विद पीपल, लाइक दे नीड टू लाइक रिलेट टू दैट सॉन्ग, तो फिर ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि सोचता हूँ टॉपिक पे और फिर लिखता हूँ। आपका अब तक का बहुत फेवरेट अपना सॉन्ग कौन सा आपका खुद का गाया हुआ? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बहुत शौक है, गाड़ी के साथ और गाड़ी में बैठे हुए थे। और आपकी कार कौन सी फेवरेट है? फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। अच्छा, जो एक नया सॉन्ग भी आपका है ना, उसमें मैंने डाला हुआ है वो, इज़ माई फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी। अच्छा, आप गाड़ी में बैठे हुए थे, तो अभी आप बता रहे थे गाड़ी में बैठे हुए, फिर ख्याल आया? मैं स्टॉप लाइट के पास रुका हुआ था और सडनली मैं एक लाइन आई दिमाग में, नहीं गड्डी साढ़े बह जा, यू नो लाइक दैट, फिर मैंने स्ट्रेट अवे स्टूडियो के पास गया हूँ, प्रोड्यूसर के साथ बैठा हूँ, गाना लिख गया आधे घंटे में। वाओ, तो रियल इमरान ने कभी ये किया रियल लाइफ में? क्या गड्डी साढ़ी बह जा कभी किसी को ऑफर किया आपने? नहीं अभी तो नहीं, मगर इंशाल्लाह देखते हैं। इंशाल्लाह जी, चांसेस हैं, तमाम लड़कियां रेडी रहें और उम्मीद रखें। अच्छा, तो अभी मज़ीद जो नई जैसे कि एल्बम पे काम हो रहा है, कौन से ऐसे आपने टॉपिक्स को टच किया है जो कि यंगस्टर्स में बहुत पसंद किए जाने वाले हैं? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स जी, प्रॉब्लम्स के बारे में गाना लिख रहा हूँ मैं, और इज वन ऑफ द 20 सॉन्ग्स और समथिंग, और मैं इसके बारे में बहुत ना कि नो मैटर जितनी भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करो। इमरान, प्रॉब्लम यंगस्टर्स में आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा क्या है, प्यार मोहब्बत या इश्क में नाकामी? फ्यूचर जी, फ्यूचर, पैसा बहुत कमाना चाहते हैं आजकल के यंगस्टर्स, एंड उसके बारे बस लिखेंगे, एंड यू विल सी यू आर हियर। ज़बरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत बात कही। वैसे हल क्या, कुछ आपने हल भी दिया प्रॉब्लम का, तमाम जैसे पैसा कमाना? क्योंकि मेरे पास भी नहीं होते थे, सडनली देखो मेरे पास भी है, अगर मेरे पास आ सकते हैं फिर आपके पास भी आ सकते हैं, सिंपल। वैसे यंगस्टर्स के दिल तक आवाज़ वही पहुंचती है जो कि उन जैसे कोई यंग पर्सन जो बात सामने रखे, जैसे कि आप हैं, यंग हैं और यूथ की आवाज़ हैं, तो आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड होते होंगे। शुरू में उनके पास थोड़े प्रॉब्लम थी कि क्यों कर रहे हो ये हमारे दीन अगेंस्ट है, मगर हम क्या कर सकते, हम रह रहे हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में, और इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे।
मगर अब पूरा करें ना काम करके, ख़त्म करके द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, और अपने तमाम जो आपके फैंस हैं जो आपको बहुत फॉलो करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वर्क हार्ड, ज़्यादा मेहनत करो और या लिव अ गुड लाइफ। लिव अ गुड लाइफ और ज़्यादा काम करें, जैसा कि प्रॉब्लम्स को भी आपने यही टॉपिक रखा उसमें भी यकीनन बताएंगे। और तमाम दोनों स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, जस्ट कीप द पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए इमरान आप क्या करते हैं और स्पेशली अपने? I go to the gym. It makes me feel good when I come after the gym, you know, 2 hours training. बहुत रिलीफ फीलिंग नहीं होती, स्ट्रेस और रिलीफ हो जाती है। नॉट एवरी डे, लाइक 3 times अ वीक एंड या गो डू समथिंग व्हाट यू फील इट्स गुड, यू नो, लाइक अच्छी चीज़ें करो, लाइक वॉक और समथिंग, गो टू द बीच और शॉपिंग करो, यू नो, गुड थिंग्स। ओके, दैट्स गुड। ट्रीट योरसेल्फ, डोंट स्पॉइल योरसेल्फ। बिल्कुल, अपनी एनर्जी को यानी पॉजिटिव वे में यूज़ करें। और टी वी एपिक्स के जो तमाम व्यूअर्स हैं आपको इतने प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं, व्हाट्स योर मैसेज टू देम? इज्जत करो तो इज्जत करवाओ। थैंक यू सो मच इमरान खान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम आपने हमें दिया। और नाज़रीन, ये थे इमरान खान हमारे साथ थे और आपने यकीनन इनकी बातें सुनी। इनकी एल्बम भी रिलीज़ होने जा रही है जल्द ही आपके लिए, और साथ ही साथ उन्होंने जो मैसेज दिया यूथ को कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव अंदाज में यूज़ करें और साथ ही साथ इज़्ज़त कीजिए और इज़्ज़त करवाइए। सुमैरा बुखारी को दीजिए इजाज़त, टी वी एपिक्स से फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।